दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ फाइल के अंदर कोई चीज़ इरेज करनी है, जैसे कि हम स्पीड फाइल को खोलते हैं, हम चाहते हैं ये लाइन है पीडीएफ फाइल इज ए कंप्यूटर बेसिक फाइल फॉर्मेट, ये लाइन यहाँ पर इरेज हो जाए या कह सकते हैं ये भी हो जाए, तो ये कैसे हो सकता है? कैसे पीडीएफ फाइल के अंदर हम इरेज करते कोई भी चीज़ को, यानी कि हटाते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक टूल की हेल्प से बताएंगे आप कैसे चीज़ों को इरेज कर सकते हो पीडीएफ फाइल में। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक डायरेक्टरी। यहाँ पर हम पीडीएफ फाइल को क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इंटरनेट को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे एक टूल को ओपन करना है। टूल का नाम है पीडीएफ टू गो करना है। यहाँ पर पहले ही लिंक आया पीडीएफ टू गो का, आप इस वेबसाइट को ओपन कीजिए एंड ओपन होने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारे टूल मिलेंगे आपको। यहाँ पर पीडीएफ फाइल के अंदर टेक्स्ट या कंटेंट को इरेज करना है ना, तो इसके लिए आपको एडिट पीडीएफ फाइल टूल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी, जिसमें आपको इरेज फंक्शन यूज करना है, कुछ चीज़ें इरेज करनी है। स्विच पर क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव ड्रॉप बॉक्स भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे सिस्टम में तो हम फ्रॉम ड्राइव पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर है पीडीएफ एडिट, इसे हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ फाइल आ चुकी। अब इसमें इरेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर टूल मिल जाएंगे, टेक्स्ट पेंसिल वाइट आउट है ना, हाईलाइट। तो आपको वाइट आउट यूज करना है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा जूम कर लेंगे कंट्रोल दबाकर, माउस का व्हील बटन दबाकर, ठीक है। और आपको क्या अरेज करना है, वही करना है, व्हाट इज पीडीएफ। तो माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग करेंगे तो वाइट आउट को फिर से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे। ये देखिए है ना, ये नहीं दिखाई दे रहा, ये लाइन भी करनी, पीडीएफ फाइल इज ए कंप्यूटर बेसिक फाइल फॉर्मेट, तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगा गलती से कुछ चीज़ें इरेज हो चुकी हैं, तो यहाँ पर ये फंक्शन है रिसेट, आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से वापस आ जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं करना, तो हम इसको फिर से कर देते हैं, व्हाट इज़ पीडीएफ और यहाँ पर पीडीएफ फाइल फॉर्मेट, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ पीडीएफ आप लिखा था, तो आप कुछ और डालना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे कंटेंट को, यहाँ पर कंटेंट को टाइप करेंगे, यहाँ पर सेटिंग पे जाएंगे, इसका फ़ॉन्ट साइज ले लेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं 22, ठीक है। इरेज पीडीएफ टेक्स्ट, ये हमने ऐड भी कर दिया। यहाँ पर कलर बदलना है तो कलर बदल सकते हैं, तो कोई भी आपको कलर पसंद आए वो आप बदल सकते हैं इजीली, ये देखिए है ना। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड अगर ठीक, एंड यहाँ पर फॉन्ट आपको चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, जो आपको फॉन्ट पसंद आए, ये देखिए है ना। एंड बोल्ड इटैलिक करना है तो बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं। एंड कंटेंट इरेज होने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए, सेव पर क्लिक करके एंड इसे डाउनलोड कर लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाएगी, ये देखिए। अब ये फाइल डाउनलोड होने के बाद आपके कंप्यूटर लैपटॉप के डाउनलोड वाले फोल्डर मिलेगी, हम मिनिमाइज करेंगे, हम जाएंगे दिस पीसी, यह डाउनलोड वाला फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल है, इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें इरेज हो चुकी है ना, ये देखिए नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए है ना। अब आप प्रिंट डाउन निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपको इरेजर टूल यूज नहीं करना, आपको मैनुअली उठाना है, तो उसके लिए आप इस पीडीएफ फाइल को एमएस वर्ड फाइल बनाएं और उसे एडिट करें वर्ड फाइल में और फिर वर्ड फाइल को पीडीएफ फाइल बना दें, तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको जल्दी चाहिए तो जल्दी प्रोसेस में आप ये काम कर सकते हैं, है ना। तो आशा करते हैं वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।